हरे कृष्ण। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में कि जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन, आज का कालखंड कैसा रहेगा, उनको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, राजनीतिक स्थिति क्या होगी, माली हालत कैसा रहेगा, घर में सुख समृद्धि का क्या हाल होगा और रोज क्या प्रगति होगी और आज उनके रोजी रोजगार के क्षेत्र में क्या विकास होगा, इंडस्ट्री क्या लगाएंगे, सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। सावधानियां क्या बरतें, उपाय क्या करें, आपके लिए शुभ अंक क्या होगा और शुभ रंग क्या होगा, ये सब भी बताएंगे और क्या सावधानी बरतें, किस देवी देवता की पूजा करें, सब आज हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप क्या करें कि वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि आपकी ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं, अपना प्रश्न लिखें और अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखें ताकि अगले कार्यक्रम में हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में कि जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको अपने खर्च पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आय से अधिक व्यय होने से मन उद्विग्न रहेगा, अकारण मन तनाव में रहेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं जिससे आप परेशान रहते हैं। हेल्थ वेल्थ को लेकर के चिंता हो सकती है, अकारण परेशानी बढ़ सकती है, माता पिता की सेहत को लेकर के भी आपके मन में चिंता की स्थिति हो सकती है और आज आपके पास विभिन्न प्रकार के स्रोत से धन आएगा। मल्टीटास्किंग कार्यों से धन आने की संभावना बन रही है, माली हालत अच्छी होगी। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य करने का आपने प्लान कर रखा है तो आप करें, उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। यदि आप स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या ITI या जो भी शिक्षा से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, चाहे वो डेंटल स्कूल है, चाहे आयुर्वेद या मेडिकल, जो भी करना चाहते हैं, तो आज उसकी शुरुआत करने का दिन है। उसमें आपको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, माता पिता का सुख मिलेगा, बच्चों से थोड़ा सा मन दुखी हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, उनकी टेरिटरी में आप दखलंदाजी न करें, उन पर पैनी दृष्टि रखें, उनको इनकरेज करें और समय समय पर उनको गाइड करने की आवश्यकता है, न कि उनके ऊपर ज़्यादा उनके अधिकार क्षेत्र में इंक्रोचमेंट की। उनके टेरिटरी में दखलंदाजी करने से बचना ही आपके लिए हितकर होगा और उन पर ध्यान देना आपके लिए ठीक रहेगा। खान पान पर नियंत्रण करें, वाणी पर नियंत्रण करें, जो भाषा जो व्यवहार आपको खराब लगता है उस तरह की भाषा व्यवहार आप दूसरों के साथ कतई न करें, करने से बचने की ज़रूरत है। सुख समृद्धि से चीज़ें बढ़ेगी, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, घर बनाने का प्रबल योग बन रहा है, जो भी आज आपकी परेशानियां हैं समाप्त होंगी। आज आपको सावधानियां क्या बरतनी है, सावधानी आज आपको ये बरतनी है कि किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, कोई भी अज्ञात व्यक्ति पर भरोसा करना आपके लिए घातक हो सकता है। आज आपको उपाय क्या करना है, आज आपको उपाय में करना है कि भगवान शिव की आराधना करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और ओम गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा और मंदिर में जा करके पीली खिचड़ी दान करें आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है पीला। हरे कृष्ण।